हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि अगर आपके मोबाइल में जो है आपके स्क्रीन पर जो है आप कोई भी ऐप्स को ओपन करते हैं और आपको जो है एड्स देखने को मिलता है, एड आता है गाइज, आप काफ़ी प्रॉब्लम में है, काफ़ी परेशान है गाइज इन एड से, तो इनको कैसे बंद करेंगे। मेरे पहले जो है हर ऐप ओपन करने पर मैं ट्रूकॉलर को भी ओपन करता था या फिर मैं जो है कोई से भी ऐप को ओपन करता था गाइज, तो मुझे जो है एड्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, बार बार मुझे एड आते थे, कुछ इस तरह का मुझे देखने को मिलता था। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, एड्स आते हैं, तो इनको कैसे फिक्स करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो आप जो है अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। पहले जो है मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी गाइज कि मेरे को जो है कोई भी ऐप ओपन करता था डायरेक्टली पहले एड आता था, उसके बाद मैं प्रॉब्लम, तो मैं इनसे काफ़ी परेशान था। तो मैंने जो है इसको कैसे फिक्स करा, कैसे सोल्व करा, कैसे ठीक करा, तो आप इन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है गाइज, मैं आपको जो है कुछ मेथड बताऊंगा, उनके जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, आप अपने जो एड आते हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया एंड इस पर क्लिक करने के बाद पहले आपको क्या करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट डाटा एंड प्राइवेसी एंड यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके माई एड सेंटर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यह आपके ऑन होगा तो इसको आपको ऑफ करना है, क्योंकि मैंने पहले इसको ऑफ कर दिया था, तो मैंने चेक करा, तो उसके बाद जो है मैंने इसको ऑन करके आपके लिए वापस बता रहा हूँ। तो इसको आपको कैसे ऑफ करना है, टर्न ऑफ एंड इसको टर्न ऑफ करने के बाद यहाँ से आपको जो है बैक ले लेंगे कि ये ऑफ हुआ न्यू हुआ, तो इसको ऑफ करने के बाद आपको यहाँ से बैक लेना है एंड बैक लेने के बाद अब आपको सेकेंड काम क्या करना है, एड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया एंड इसको क्या करना है, डिलीट एडवर्टाइजमेंट आईडी, इसको आपको डिलीट कर देना, आपके जो पहले से जो भी एड आते थे वो सारे डिलीट यहाँ से हो जाएंगे। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को सेटिंग को फिर से ओपन करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके मोबाइल में प्राइवेट DNS का ऑप्शन कहाँ भी आता हो तो आपको पता नहीं हो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सर्च बार से सर्च कर सकते हैं प्राइवेट DNS या फिर आप डायरेक्टली DNS सर्च कर सकते हैं एंड इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके ये ऑटो हो, ओप हो, तो आपको क्या करना है, स्पेशल DNS में क्लिक करके यहाँ पर आपको लिखना है DNS एड्रेस में dns.edguard.com। मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी, उनमें देखा है, उसके बाद मैंने जो है इस प्रोसेस को अप्लाई करा, उसके बाद मैंने देखा है तो मेरी प्रॉब्लम फिक्स हो गई थी। तो मैंने जो है वापस ऑफ करके इसको बताने के लिए आपको करा था, तो सेव कर देंगे एंड इतना करने के बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बैक ले लेना है एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने मोबाइल में क्रोमी ब्राउज़र ऐप को ओपन करना है। क्रोमी ब्राउज़र को जैसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री लाइन या तीन डॉट देखने को मिलते हैं या फिर एरो देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले गए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको साइट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में क्या करना है, कुकीज या आपके अलावा इसको क्या करना है, आपको ब्लॉक थर्ड पार्टी या फिर ब्लॉक ऑल कुकीज पर कर देंगे। कर दिया, करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लोकेशन को क्या करना है, इसको ऑफ कर देंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ऐड आते हैं, इसमें दिखाया जा रहा है इन इन ऐप के आपको ऐड देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको इसको ब्लॉक कर देना है एंड जो लोकेशन में जो ऐड आ रहे हैं इनको भी आपको यहाँ से, और जो ऐड आ रहे हैं इनको आपको यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके ब्लॉक ऐसे सभी को आपको ब्लॉक कर देना है एंड ब्लॉक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आएगा पॉप अप एंड रीडायरेक्ट, इसके जरिए डायरेक्टली ऐड आते हैं गाइस, तो इसको आपको ओपन करना है एंड इसको आपको ऑफ कर देना है क्योंकि ये आपके यहाँ से ऑन होगा, अलाउ होगा कुछ इस तरह, तो इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक करेंगे एंड इसको भी आपको ऑफ कर देना है, ये भी आपको ऑन होगा कुछ इस तरह का, तो इसको ऑफ कर देंगे एंड इतना करने के बाद एक यहाँ पर आता है थर्ड पार्टी साइन, तो इसको भी आपको करना चाहिए कर सकते हैं एंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है एंड जैसे आप इतना करेंगे इसके बाद आपको जो है जो एड की प्रॉब्लम आती थी वो नहीं आएगी एंड आप ऐसे अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आपको कोई भी एड देखने को नहीं मिलेगा किसी भी ऐप में
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।